साल 2024 हम सभी के लिए बेहद स्पेशल है, क्योंकि ये जो पहला महीना है उसमें ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को होनी है, वो पूरा समारोह होने वाला है। आपका बहुत ही पर्सनल कनेक्ट है हम सभी जानते हैं, क्योंकि आपने सिनेमैटिक वे में सीता मैया को रिप्रेजेंट किया है, एक बहुत ही अलग से एक आइकॉनिक रोल मैं कहूँगी, जहाँ आज भी लोग आप आई एम श्योर कि आप जाते हैं तो आपको उन्हीं उनसे ही आपको संबोधित किया जाता है। किस तरह से देखती हैं आप इस राम मंदिर के निर्माण को, अयोध्या में ये जो भव्य समारोह रखा जाने वाला है उसको? आपने बिल्कुल अपने प्रश्न के आपने खुद उत्तर दे दिए हैं, क्योंकि यस मेरे लिए बहुत पर्सनल है। हिंदुस्तान के लिए राम जी आ रहे हैं वापस अयोध्या 500 साल के बाद, लेकिन मेरे लिए बहुत पर्सनल विक्ट्री है, क्योंकि 18 साल की उम्र से हमने राम का नाम जपा है, रामायण में सीता का रोल प्ले किया है, और उसके बाद जब पॉलिटिक्स में भी थी तब राम के मुद्दे पे बहुत सारी मैंने बातें भी कही है, तो मेरे लिए हमेशा राम बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। सो राम जी जब आज जब वापस आ रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि आई प्लेड सीता जी, तो बहुत एक कहते हैं ना व्यक्तिगत खुशी है, एंड एक ऐसे लगता है कि कोई अगर फैमिली में कोई प्रसंग होता है और किस तरीके से खुशी होती, वो मुझे वो टाइप की खुशी महसूस हो रही है। मैं समझती हूँ ये हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल डेट है, एंड आई नो कि आने वाले बहुत सारी पीढ़ियाँ ये कहेगी कि भाई 2024 में राम जी का मंदिर बना था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, हिस्टोरिकल बात है, लेकिन फॉर मी इट इज़ समथिंग दैट टचेस माई हार्ट। Yes. मैं हर कोई बहुत ही ज़्यादा देख रहा है कि किस तरह से अयोध्या में आने वाले दिनों में वो पहुंच पाए, और हम जानते हैं कि 22 जनवरी को बहुत भव्य समारोह रखा गया है, बहुत सारी हस्ती आने वाली है। आपकी किस तरह की एक प्लानिंग है रामलला के दर्शन के लिए? फ्रेंकली मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, 20 दिन और है तो कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन येस मैं वहाँ पर रहूँगी और मैं डेफिनेटली दर्शन करना चाहती हूँ और मैं वहाँ रहूँगी। सो आई डोंट नो प्लानिंग क्या करूँ कैसे करूँ इस वक्त, तो इतनी सारी मतलब शूट्स के बीच में आई बीन बिजी विद धरती पुत्र नंदिनी, बट एक्साइटमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैंने ऑलरेडी मेरी टिकट्स भी बुक कर ली हैं, एज सून एज मुझे इन्विटेशन आया था दूसरे दिन ही मैंने बुक कर ली, एंड जाएंगे वहाँ पे जी। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि कितना हिस्टोरिकल रहा है, और जब ये निर्णय भी आया था सामने तो कितना ही उत्साह की तरह सेलिब्रेट किया गया था। कितना आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, किस तरह का संदेश होगा? और क्योंकि टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही थी कि किस तरह से टूरिज्म को भी ये प्रभावित करने वाला है, या फिर इंडियन कल्चर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं रामायण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो आप किस तरह से देखती हैं? सी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा जो रहा है, हम मुझे याद है पॉलिटिक्स में जब मैं थी और ये मैं जब सभाज अटेंड करती थी 91 इलेक्शन में, तब मैं ये पूछती थी कि अगर राम लल्ला का मंदिर अयोध्या में नहीं बना, उनके जन्म स्थान पे नहीं बना, तो आप मुझे बताइए कहाँ बनेगा। सो ये इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, जब आप एक फैमिली से आती हैं, आपका एक गांव होता है जहाँ से आप माइग्रेट करके शहर में आती, तो हर एक इंसान जो शहर में आता है उनका गांव में घर होता है, तो जब एक इंसान का घर होता है अपने गांव में, तो हमारे भगवान का घर उनके शहर में उनके जन्म स्थान पर क्यों नहीं है? तो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। और हम लोग एज इंडियंस वी टेक केयर ऑफ आर पेरेंट्स, हम लोग हमारे बच्चों के लिए घर बनाते हैं, तो क्या हम हमारे भगवान के लिए, जिसको हम पूछते हैं, जिसके जिस रामायण के ऊपर हमारे पूरी संस्कृति बेस्ड है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रामायण, तो क्या मतलब उनके लिए हम एक मंदिर नहीं बना सकते? सो इट्स अ वेरी इमोशनल बाय द वे थिंग फॉर मी। चलिए जाते जाते हम सभी को इंतजार होगा कि 22 जनवरी को कितना भव्य समारोह और हम सभी उसको विटनेस करेंगे, लेकिन आप किन लफ्जों में इसे समराइज करना चाहेंगी इस इवेंट को? मैं बस ये कहूँगी कि ये हिस्ट्री है, एंड जिस तरीके से राम राज्य हुआ था उसी तरीके से एक फीलिंग आती है कि हम एक राम राज्य या राम का अभिषेक देखने जा रहे हैं। सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रामायण के युग में नहीं थे, लेकिन
कम से कम आज है 2024 में हम है, तो हम देख पाएंगे समथिंग एज ब्यूटिफुल एज दिस। हम भी उम्मीद रखेंगे कि 22 जनवरी को हम सभी ये जो एक भव्य समारोह है वो विटनेस कर सके। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।